तो एक ही प्राइस में अगर अलग अलग कंपनियों के फ़ोन मिले तो मुझे किस कंपनी का फ़ोन लेना चाहिए, आज की इस वीडियो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे फ़ोन होते हैं जो कि अच्छे अच्छे होते हैं बट अच्छे अच्छे कंपनी से नहीं होते, यानी कि उनका कंपनी किसी ऐसे कंपनी से प्रॉपर बिलोंग करती है, यानी कि किसी भी तरह का उसमें थर्ड पार्टी वगैरह कंपनी रहती है, यानी कि उसमें ऐसी कंपनियां जो कि अच्छे तरीके से मार्केट में पॉपुलर नहीं होती। और बहुत सारी कंपनी ऐसी रहती हैं जो मार्केट में काफ़ी पॉपुलर रहती हैं, जैसे कि हमारे इस टाइम पे इंडिया में वीवो, ओप्पो, सैमसंग, शाओमी, रेडमी, पोको जो भी है, और अभी हाइकू वगैरह भी आ चुके हैं, पोको आ चुके हैं, ऐसे आपको पता होगा अलग अलग ब्रांड अपने अपने फ़ोन निकाल रखे हैं। तो इस वीडियो से आप एक चीज़ सीखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन में लोग रहते हैं कि बहुत सारे फ़ोन तो एक ही स्पेसिफिकेशन के साथ साथ, यानी कि अलग अलग कुछ ऐसे उससे अच्छे स्पेसिफिकेशन में और उससे कम प्राइस में, यानी कि सेम प्राइस में आप समझ सकते हैं, और उससे अच्छी मतलब डिज़ाइन वगैरह जो है मिल रही है, तो मुझे कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो थोड़ा समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना दोस्तों। एक बात आपको समझना है, कोई भी फ़ोन तब तक अच्छा है जब तक उसके अच्छी एप्लीकेशन के साथ साथ वो आपको उस टाइम पे एप्लीकेशन कब देखा जाता है, यानी कि उसके फीचर कब देखे जाते हैं, जब अपने फ़ोन को आप बॉय कर रहे हैं यानी कि खरीद रहे हैं जब फ़ोन को, तब उसके फीचर वगैरह देखे जाते हैं। इस फ़ोन में फ़ीचर क्या है और कैसे काम करता है, इसका कैमरा कैसा है, प्रोसेसर कौन सा है, बैटरी कौन सी है, चार्जर कितने वाट का है, ये सारी चीज़ फ़ोन खरीदने से पहले देखे जाते हैं। बट उस टाइम पर होता क्या है, फ़ोन की कंपनियां बहुत सारी ऐसी रहती हैं जो अच्छे अच्छे इस सब सारी चीज़ों को प्रोवाइड करती हैं, यानी कि काफ़ी उनका फीचर अच्छे रहते हैं, फ़ोन का प्रोसेसर अच्छा रहता है, बैटरी भी अच्छी रहती है, डिज़ाइन वगैरह बिल्डो कार्टी कर जो भी है अच्छे रहते हैं, बट उसका फ़ोन जो है थोड़ा मिड रेंज में रहता है, यानी कि अच्छे लेवल में रहता है, और उसी कंपनी में जो भारी कंपनी हैं जो काफ़ी पॉपुलर कंपनी हैं उनके फीचर कम रहते हैं। तो मुझे कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से ये भी आपको समझना है कि अच्छी तरीके से समझ ले लीजिए। पहली बात आपको ये चीज़ समझना है, जो कंपनियां मार्केट में अच्छे तरीके से पॉपुलर ब्रांड नहीं है, यानी कि जो हमारा और से इन्फिनिक्स वगैरह जो आती हैं या फिर बहुत सारी और कंपनियां हैं, हालांकि मैं इन्फिनिक्स का एक उदाहरण के लिए बात कर रहा हूँ, जो ऐसी कंपनियां रहती हैं जो कि अच्छे फीचर यानी कि लालच देती हैं अच्छे फीचर डाल के, बट उसमें आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलना सबसे ज़रूरी है, उनकी सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी है, जो कि ऐसी कंपनी अच्छे तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा पाती, अपने फ़ोन को जो है टाइम पे टाइम टू टाइम एंड्रॉयड अपडेट नहीं देती हैं। फीचर तो अच्छे हैं बट आपको टाइम टू टाइम अगर किसी भी तरह का बग आता है या किसी तरह का सिक्योरिटी इशू आता है तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट प्रोवाइड नहीं करा पाएंगी। इसकी वजह से आपको ऐसे फ़ोन को लेने से बचना चाहिए, क्योंकि आपको पता है फीचर के साथ साथ आपकी सिक्योरिटी और आपका एंड्रॉयड फीचर नए नए अपडेट आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके फ़ोन में किसी भी तरह का सिक्योरिटी इशू है, अगर फ़ोन आपकी कंपनी आपको अपडेट प्रोवाइड नहीं करेंगी तो आपका बुरी तरह से कट जाएगा। तो ये तो आज आपको समझना है, अगर सेम प्राइस में अलग अलग कंपनी अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग फीचर के साथ, यानी कि अच्छे फीचर के साथ साथ निकालती हैं, और उसी फ़ोन में हमारा जो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है वो थोड़ा महंगे में है और थोड़ा सा मतलब उसी के उस ऊँच नीचे में है लेकिन इसका फीचर कम है, तो कौन सा लेना चाहिए, तो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। सबसे पहले आप सिक्योरिटी का है, इसके बाद इंडोर अपडेट का है, और तीसरी चीज़ है आपको पता होगा जो कि इनका एक चक्कर रहता है मोबाइल में ए रहने का चक्कर, यानी कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां रहती हैं फ़ोन तो सस्ता रहता है फीचर भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, बस उस टाइम पे होता क्या है फ़ोन अगर ले लेते हैं तो उनके फ़ोन में आते हैं एड, तो अगर आप एड बार बार देखेंगे तो भाई हो जाएंगे परेशान, तो ऐसे कंपनियों के फ़ोन लेने से बचना चाहिए। जी हाँ, अभी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं इंडिया में, जैसा कि इन्फिनिक्स की मैं बात कर चुका हूँ, इन्फिनिक्स है और फिर टेक्नो हो गया, इन सारे कंपनियों में देख चुका हूँ इनमें आते हैं एड, हालांकि EMI में भी आते हैं, ऐसा नहीं है, EMI के फ़ोन में भी आते हैं एड, तो अगर आप इस फ़ोन को लेते हैं तो आपका फ़ोन का ऐसे डाटा ही ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अधिकतर डाटा तो यही चूस जाएंगे आपके फ़ोन का, और टाइम टू टाइम आपके ओवर अपडेट प्रोवाइड नहीं करेंगे, सिक्योरिटी फीचर आप अच्छे तरीके से अपडेट नहीं करेंगे। हालांकि मैं EMI के फ़ोन में अधिकतर देखा हूँ सिक्योरिटी बग रहता ही है, उनका फ़ोन में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी बग रहता ही है, हालांकि अधिकतर ये मैंने EMI के साथ समस्याएं फील करी है, जो हमें मैं यूज कर चुका हूँ, एक मेरे घर का फ़ोन है, अधिकतर जो है मैंने EMI के फ़ोन में सिक्योरिटी इश्यूज़ फेस करे हैं, बाकी तो और भी आते हैं ऐसे ही नहीं है, बट EMI में मैंने ज़्यादा से फील करे हैं। आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर ले, बाकी आपको पता ही है वीडियो को लाइक करना है और सबको शेयर कर देना इस वीडियो को, बाकी आपको सवाल जवाब है वो भी आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
बाकी आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, कुछ सवाल जवाब है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे सोशल मीडिया हैंडल का लिंक, चाहे तो मुझे वहाँ पर मोबाइल फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का 100% रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड डे।